हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम किस तरीके से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप देख सकते हो कि जो मैं होवर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि नीचे की जो बॉर्डर लाइन जो आ रही है वो ज़्यादा ऑसम लग रहा है। जैसे मैं इस पर होवर करूँगा, आप देख सकते हो कि जो इसका जो टेक्स्ट शैडो है, यानी कि बॉक्स शैडो, वो दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, और कितना ज़्यादा 3D में लग रहा है ये, आप देख सकते हो। और इसके जैसे ही मैं नीचे लाता हूँ यहाँ पर, जैसे ही मैं आप देख सकते हो, जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा, आप देख सकते हो जो ग्रेडियंट कलर में जो मैंने यूज़ किया हुआ है कलर, आप देख सकते हो कि वो ऊपर तुरंत आ रहा है होवर करने पे, और सभी पे इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर ये होवर इफेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूँगा ये, और प्लस यहाँ पे मैंने एक स्लाइडर भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मूव हो रहा है, आप देख सकते हो कि कितने स्मूथनेस के साथ ये मूव हो रहा है। और प्लस यहाँ पे मैंने एक लाइव लोकेशन भी डाली हुई, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब ये टैब ओपन हो जाएगा एड्रेस बार का, आप देख सकते हो ये गूगल मैप, मैंने इंडिया का लोकेशन डाला था तो इंडिया का ही आया है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं फटाफट हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं चलते हैं अपने कोड पे। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने यहाँ पे कंटेंट और जो लिंक है ना, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जो आइकन्स वगैरह वो कहाँ से वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ आपको, यहाँ पर सर्च करना है बूटस्ट्रैप, यहाँ पे ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आइकन्स की, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पेड चार्जेस नहीं है। फिर आइकन्स पे क्लिक करना है, और फिर फटाफट सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे ना एक जैसे नीचे आ गया, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया। और जैसे ही मैं नीचे आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लिंक करके होगी, लिंक स्टाइल सीट HREF CDN करके, आप देख सकते हो। बस आपको इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ आके से पेस्ट कर देनी है, आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लिंक स्टाइल सीट का, यानी कि CSS की जो फाइल हमने जो दी हुई है वो यहाँ पर है, उन्हें सेव लिंक कर रखा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिव लिया है, ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने एक और डिव लिया हुआ है, ताकि यही ना रिदम होती है, पहले रो फिर कॉलम, फिर कॉलम के अंदर कंटेंट लिखते हैं, ताकि जब हम रिस्पॉन्सिवनेस के बनाने की प्रैक्टिस करें ना, तो वहाँ पे आसानी से एक तरीके से लिंक हो सके। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो यूएल लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आइकन्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, और थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए क्लाउड सन, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इस आइकन का, क्लाउड सन जियो एल्ट फील्ड। तो हम यहाँ से ना सीधा बूटस्ट्रैप पे जाएंगे और ऊपर आते हैं, और फिर उसके बाद ना हम उस आइकन का नाम लिखेंगे जो हमें चाहिए। यहाँ पे सर्च बार है, ये रहा सर्च, और जैसे कि मैंने लिखा था क्लाउड, और उसके बाद यहाँ पे कहाँ गया वो आइकन, आप देखते हैं ये रहा आइकन, इसे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद यहाँ से सीधा इसे कॉपी कर देना है, देख सकते हो। और उसके बाद जहाँ आप चाहते हो पेस्ट करना, वहाँ पेस्ट कर दो इसे, आप देख सकते हो जैसे ये प्रॉपर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना एक और डिव लिया हुआ है, आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने एक और डिव बनाया कॉलम, उसके बाद मैंने कॉलम के अंदर एक इमेज लिया, और उसके अंदर मैंने एक और डिव लिया, ताकि ये चिल्ड्रन बन जाए वाला, उसके अंदर पेरेंट के अकॉर्डिंग वर्क करे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये H2 और H4 में कंटेंट लिया, ये हमारा जो पहला सेक्शन बन गया। तो मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया। यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी कि जितने भी हमारे पेज में जितने भी मार्जिन पैगिंग है, बाय डिफॉल्ट उसे रिड्यूस कर दो यानी हटा दो। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी मैं दूंगा वही एक्यूरेट होनी चाहिए, किसी भी तरीके की पैगिंग, मार्जिन और विड्थ में एड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैंने बॉडी, बैकग्राउंड कलर और कलर, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है लिंक, ये हमारे सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। मैंने बोला लिंक टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मैंने अपने पेज में लिंक्स यूज किए हुए हैं उनकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उन्हें नन कर दो। आपने देखा होगा कि हम बार बार ULLIA फिर लिखते हैं, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखते हैं, ऐसे बार बार लिखने से ना जो कोड की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ अपनी क्लासेस बना दी है पहले ही। उसके बाद बोला ULLI लिस्ट स्टाइल नन, इसको ही बोल दिया। और ULLI यानी कि जब मैं अपना माउस उस पर लेके जाऊं तो उसका जो कलर है ना वो पिंक कलर हो जाए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने बोला मैं इस पे लेके जाऊँ, इस वाले पे देख रहे हो आप कलर चेंज हो रहा है, ये हमारे होवर इफेक्ट की वजह से हो रहा है, आप देख सकते हो। और उसी के बाद जब मैंने बोला
ये हो गया, उसके बाद एलआई आफ्टर। जब मैं उस पर बाद में ले जाऊँ तो जो कंटेंट है ना वो ब्लैंक डालना है आपको, कुछ नहीं डालना, और विड्थ 0%। अगर मैं इसकी विड्थ ज़्यादा डाल दूंगा ना तो पूरा कवर कर लेगा, डिस्प्ले ब्लॉक यानी कि जितनी विड्थ है उतनी ले, जितनी ज़रूरत है ब्लॉक हो जाए उसकी एलिमेंट। बैकग्राउंड कलर, हाइट और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब यहाँ पर होता है तो जब ट्रांसफॉर्म होना तो पूरी प्रॉपर्टी हो और 1 सेकंड का टाइम ले। उसके बाद ओवर आफ्टर, ये ना एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है जो हम यूज़ करते हैं। मैं दिखाता हूँ किस लिए। मैंने यहाँ पहले बोला विर्थ 0% आफ्टर, और उसके बाद जब ओवर आफ्टर करूँ तो उसकी जो विर्थ है ना 100% हो जाए, और ट्रांजिशन यानी स्मूथनेस के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये होवर हो गया। अब देख रहे हो होवर, उसके बाद आफ्टर, यानी कि जब मैं होवर आफ्टर करूँ तो जो बॉर्डर बॉटम जो लाइन है हमारी यानी बॉर्डर वो तभी आए, उससे पहले ना आए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद हमने लिया था यहाँ पर फर्स्ट यूएन, तो मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स यानी कि जितने भी है सब एक लाइन में आ जाए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस बिटवीन, पैकिंग यानी कि कितनी हमें उस कंटेंट को अंदर समेटना है, स्पेस चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर बॉटम, कर्सर पॉइंटर यानी कि वहाँ पर हाथ बन के आ जाए। फिर उसके बाद सेकेंड यूएन यानी सेकेंड अनऑर्गर लिस्ट, तो उस पर डिस्प्ले फ्लैक्स वही सेम प्रॉपर्टी मैंने दोबारा दी हुई है। और आई आई जो है ना हमारी जितनी भी हमने आइकन्स यूज़ किए हुए बूटस्ट्रैप से, ये उसके लिए है। मैंने बोला फॉर्म साइज की इतनी, पैगिंग राइट से इतनी चाहिए, और कलर ये, और फिर उसके बाद जो हैगिंग टू है ना वो दूसरे वाले बॉक्स गिफ्ट के आते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हैगिंग टू लिखा हुआ है, और वहीं पर ही मैंने हैगिंग टू यहाँ पे भी लिया हुआ है। उसकी पोजिशन रिलेटिव लिखी, और उसमें जो अंदर वाले गिव है इसमें मैंने कहा था पोजिशन एब्सोल्यूट, ताकि अपने पेरेंट को फॉलो करें। आप देख सकते हो पोजीशन एब्सोल्यूट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टॉप से 200 पिक्सल, फॉर्म साइज 50 पिक्सल, और टेक्स्ट शैडो। आपने देखा था जब मैं वहाँ पे होवर कर रहा था, उसके बाद मैंने बोला H2 पे यानी खाली जब मैं डिस्कवर वाले पे होवर करूँ तभी उसका जो ये जो वेब की टेक्स्ट स्ट्रोक है ना एक प्रॉपर्टी होती है जो सपोर्टिव करने के लिए बनाई जाती है, ताकि अच्छे से वहाँ पे डिज़ाइन लेआउट तरीके से आ सके वाइट कलर में। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होता है ये, और जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट रखना है। चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ आप देख सकते हो टेक्स्ट शैडो तब शो हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने इसमें भी ना टेक्स्ट शैडो फर्स्ट वाले में भी दिया हुआ है, मगर वो उस तरीके से शो नहीं हो रहा। जब मैं होवर कर रहा हूँ ना तब वो ज़्यादा अच्छे से शो हो रहा है, तभी हम यहाँ पे ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। तब मैं अब उसके बाद अगला वाला सेक्शन दिखाता हूँ, और यहाँ पे भी CSS में भी दिखा देता हूँ। मैंने बोला एक लंबा सा डिव लिया हुआ, आप देख सकते हो जो हमने तीन बॉक्सेस बनाए ना वहाँ पे उसके लिए। तो मैंने पहले ये लिखा 5 sec, उसके बाद एक डिव लिया जिसमें मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे सेंटर में लिया हुआ है, आप देख सकते हो। हाँ ये रहा, जैसे हमने यहाँ पे सेंटर में लिया हुआ है ना, ये हमारा 5 sec वाला सेक्शन है। उसके बाद मैंने बोला कि हैगिंग 3 1 यानी कि इस नाम से मैंने क्लासेस बनाई हुई हैं, और बोला कि जो हमने ये पहला डिव फर्स्ट IMG, और दूसरा ये वाला डिव, और तीसरा ये वाला डिव। अब देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 3 डिव दिख रहे हैं साफ साफ आपको। तो मैंने बोला कि डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवन यानी साइड साइड में ज़्यादा स्पेस है, फ्लैक्स रैप यानी जब मैं इनको इनकी जो विड्थ छोटी करूँगा अपनी स्क्रीन की तो वहाँ पे रैप हो जाए, फिर मार्जिन टॉप। फिर उसके बाद हैगिंग 3 लिया मैंने, और उसमें हैगिंग 3 में मैंने बोला कि जो हमारी हैगिंग 3 है ना उसमें जाके मार्जिन बॉटम 60 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और मार्जिन यहाँ पर मुझे चाहिए मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट सब यानी कि ये वाला। अब देखो यहाँ पे सभी में अभी शो हो जाएगा, ये रहा यहाँ पे भी फर्स्ट सब है, यहाँ पे भी है। तो मैंने इसमें बोला कि पोजिशन रिलेटिव रखनी है, विड्थ 300 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन ओवरफ्लो हिडन यानी कि जब भी किसी तरीके से टेक्स्ट जो बाहर जाए या फिर इमेज लीक हो तो वहाँ पे ओवरफ्लो हिडन हो जाए। फिर उसके बाद फर्स्ट IMG, यहाँ पे जो फर्स्ट IMG है ना वो ये रहा, आप देख सकते हो। उसमें मैंने बोला विर्थ टेक्स्ट लाइन सेंटर ओवरफ्लो हिडन, उसे भी दे दिया। उसके बाद बोला जो इस सेक्शन के अंदर जितने भी इमेज आ रहे हैं यानी इस डिफ के अंदर जितने भी इमेज आ रहे हैं उसके हाइट विर्थ बॉर्डर 1 से 2 डालनी है। और उसके बाद शॉर्ट पैरा, जो शॉर्ट पैरा है ना वो दिखाता हूँ वो कहाँ पर है। अभी ये देखिए ये जो शॉर्ट पैरा है ना यहाँ पे मैंने हर जगह यूज़ किया हुआ है, तीनों जगह, ये देखो 1 2 3। तो मैंने उसमें ये प्रॉपर्टी दी है विड्थ, बैकग्राउंड कलर, लीनियर ग्रेडियंट,
मैं लीनियर ग्रेडियंट दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। मैंने पहले लिखा बैकग्राउंड, आप देख सकते हो उसका लीनियर ग्रेडियंट, और पहले वाले में यहाँ पे ना मैंने लिखा RGB है, आप चाहो तो डायरेक्ट ब्लैक कलर भी ले सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है हेक्सा डेसिमल में कोड, आप देख सकते हो मैंने कलर लिया हुआ है। यहाँ पे दो कलर, दो फॉर्म कलर के यूज किए हुए हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट कलर भी नाम लिख सकते हो। उसका पोजिशन एब्सोल्यूट लेफ्ट बॉटम जस्टिफाई कंटेंट टैगिंग और ट्रांजिशन। उसके बाद मैंने बोला जब मैं इस पर होवर करूँ ना तो उसकी हाइट कितनी हो जाए 100%। और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जो इसकी हाइट है ना मैंने 0% ली हुई है। अगर मैं इसकी हाइट पूरी कर दूंगा ना तो ये दिखाता हूँ अभी एक मिनट पहले, अगर मैंने इसकी हाइट 100% कर दी और सेव किया तो आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखना यहाँ पर ना इसकी जो पूरी पिंक तरीके से कवर हो चुका है, आप देख रहे हो ये पूरे तरीके से कवर हो चुका है। अगर मैं वहीं पे इसकी जो विड्थ है, इसकी हाइट सॉरी, उसको कम कर दूं और 0% कर दूं, और मैंने बोला जब मैं इस पर होवर करूं तब इसकी हाइट बढ़े, तो मैं दिखाता हूँ जब मैं इस पर होवर करूंगा ना। अभी तो एक मिनट लोड करता हूँ, अब जो जैसे मैं इस पर होवर करूंगा तो अपने आप आ गया। अब वो ना पैगिंग की वजह से यहाँ पे इतना स्पेस और मार्जिन की वजह से इतना स्पेस आ रहा है, वरना यहाँ पे वो स्पेस नहीं आता, आप देख सकते हो ये वाला। और उसके बाद मैंने हो पैरा होवर बोल दिया, उसके बाद बोला जो फर्स्ट IMG के अंदर जो पैराग्राफ है और प्लस जो H2 है उस पर इतनी की पैगिंग आ जाए। और फिर वही बोला जो इसके अंदर जो BT है ना उस पर ये वाली कलर प्रॉपर्टी दे दो, आप देख सकते हो आउटलाइन नन रखी है। उसका जो होवर करूँ तो उस पर ये वाली प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो जाए, यानी बैकग्राउंड कलर आउटलाइन नन। तो मैं अगली सेक्शन दिखाता हूँ जिसमें मैंने बोला है एक सर्विसेज करके मैंने एक डिव लिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद इसके अंदर मैंने दो डिव लिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद मैंने हैगिंग फोर फोर फर्स्ट, फिर फोर शब, फिर फोर टू फोर फर्स्ट, ऐसे तरीके से बनाया है मैंने। आप चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हो, तो मैं आप दिखाता हूँ कि मैंने बोला जो हैगिंग फोर है यानी कि ये फर्स्ट डिव के अंदर डिव, उसमें मार्जिन बॉटम टेक्स्ट अलाइन मार्जिन टॉप दिया हुआ है। फोर सब IMG यानी इसके अंदर जो हमने IMG यूज़ की हुई है उसकी हाइट विड्थ और बॉर्डर रेडियस इतनी दे दो। फोर फर्स्ट के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स ये सब नॉर्मल आप दे सकते हो। और उसके बाद मैंने बोला फोर फर्स्ट के अंदर फॉर्म साइज पैकिंग टेक्स्ट अलाइन अलाइन आइटम्स इतनी रखनी है, यानी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और जो अलाइन आइटम्स यानी कंटेंट है उसे भी सेंटर करना है। उसके बाद डॉट सेंटर, उसमें मैंने बोला ये वाला आप दे सकते हो। उसने बोला कि पोजिशन रिलेटिव मार्जिन से इतना ओवरफ्लो हिडन रखना है, मिक्स सेंटर। उसके बाद मैंने बोला मिक्स सेंटर आफ्टर, यानी कि इस वाले में जो बैकग्राउंड कलर है वो URL मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हो। लेफ्ट टॉप से 0 हाइट विड्थ पोजिशन ओपेसिटी, ओपेसिटी यहाँ पे ना हल्की सी ना लाइटनेस ला देती है, तो मैं भी दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। जैसे कि मैं इसे ऊपर करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की सी लाइटनेस आ रही है योर वोकेशन वाले में। और जैसे ये मिक्स एंकर योर वोकेशन, अब एक आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की सी लाइटनेस सी आ रही है, उतनी तगड़ी सी नहीं आ रही यहाँ पे बिल्कुल। जैसे अगर मैं इसमें ओपेसिटी अगर कमेंट आउट करके दिखाऊं आपको तो आप देखना यहाँ पे ना ओपेसिटी अब ज़्यादा लाइकनेस दिखाई देगी, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइकनेस ही आ गई। अगर मैं वहीं पे ओपेसिटी रखूँ तो यहाँ पे ना हल्की सी डार्कनेस ही आ जाएगी, ये देखिए आ गई। अब वहीं पे मिक्स एंकर बटन, यानी कि इसके अंदर जो बटन है उस पे पैगिंग बॉर्डर कर्सर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर दो, और वहीं पे जब मैं होवर करूँ तो उसकी प्रॉपर्टी ये वाली हो जाए। फिर आता है स्लाइडर, मैं स्लाइडर के लिए ना मैंने पहले तो एक सेंटर वाला डिव लिया हुआ है और उसके अंदर एक और डिव लिया हुआ है, यानी दो डिव है, तीन डिव है आप देख सकते हो। वहीं पे मैंने बोला पहला डिव जिसमें कंटेंट है बटन प्लस योर वेकेशन लिखा हुआ, फिर आता है स्लाइडर है मैंने इमेजेस लिए हुए इतने। फिर उसके बाद एक और डिप बोला, मैंने बोला जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना तभी इधर से उधर मूव हो, अदरवाइज ना हो, आप देख सकते हैं। स्लाइडर पे मैंने जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली पैगिंग दिया हुआ है, ट्रांजिशन दिया हुआ है, और स्लाइडर IMG के जो मार्जिन हाइट विड्थ बॉर्डर रेडियस बॉक्स सैगो उस पर हल्का सा इफेक्ट दिया है मैंने। फिर उसके बाद जब स्लाइडर के अंदर जितने भी IMG है उस पर बैकग्राउंड कलर ये आ जाओ, ओपेसिटी नन कर दी मैंने, कर्सर इतनी। और फिर उसके अंदर बोला जो सेंटर के अंदर जो आई है यानी जो राइट लेफ्ट वाले एरो हैं उस पर ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर दो, यानी ट्रांजिशन यानी स्मूथनेस के लिए कर्सर पॉइंटर। फिर सेंटर के जब आई पे होवर करूँ तो उसका कलर ये वाला हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है।
तो मैं यहाँ पे अगर कलर जो है इसमें डाल देता हूँ डब्ल्यू एस यानी वाइट स्मोक। तो चलिए अब मैं रिजल्ट दिखाता हूँ किस तरीके से शो हो रहा है, और इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ क्या कर गया। अब जैसे ही मैं इस पर अब जैसे ही मैं इस पर होल्ड करूँगा कलर चेंज हो जाएगा। अब जैसे इस पर क्लिक करके से मूव करूँगा तो अब देखा स्मूथनेस के साथ ही स्लाइड होगा, और जैसे फिर ले जाऊँगा फिर इधर स्लाइड होगा। आप देख सकते हो कितने स्मूथनेस के साथ ये वर्क हो रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं वापस चलता हूँ अपने कोड पे, और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको तीसरा सेक्शन यानी फुटर वाला सेक्शन। इसे मैंने एक लंबा सा सेक्शन लिया है फुटर का, आप देख सकते हो यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर एक डिव, दो डिव, तीन, चार, पांच डिव लिए हुए मैंने। तो फटाफट समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। क्लास फुटर और आईडी फुटर ली हुई है मैंने। क्लास फुटर वो है डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी कि ये जो है ना जैसे पांच डिव लिए हुए मैंने, मैंने इसे बोला कि इन सभी को ना एक डिव, ये पहला डिव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी को एक लाइन में ला दो, कोई ऊपर नीचे ना हो। उसके बाद बोला बिफोर यानी और उससे भी पहले ये कर दो, कंटेंट ब्लैंक, बैकग्राउंड कलर ये रखना है, पोजिशन एब्सोल्यूट टाइट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, और जी इंडेक्स जो है, जी इंडेक्स यूज किया जाता है कि हम कौन से इमेज को यानी एलिमेंट को पहले दिखाना चाहते हैं और कौन से को पीछे, तो उसके लिए ओपेसिटी यूज की जाती है और जी इंडेक्स यूज किया जाता है। और मैंने सभी की ना शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई है, यानी कि सी एस एस शॉर्ट वीडियोस, जहाँ पे मैंने लेंथी वीडियोस नहीं बनाई, शौक से बनाई है सारी वीडियोस। आप चाहो तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद लिखा है क्लास फुट, यानी कि यहाँ पे जो क्लास फुट है ना ये वाला, इसकी जो विड्थ रखी है मैंने 185 पिक्सल रखी हुई है। यहाँ पे जितनी भी हमने क्लास फुट है इन सभी की 185 इक्वली इक्वली डिवाइड कर दी है पाँचों डिव में। उसके बाद बोले जो क्लास फुट के अंदर जो H5 आ रहा है, यानी कि ये वाला आप देख सकते हो जितने भी H5 आ रहे हैं उस पे ये वाली प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो जाए। फॉन्ट साइज 1.2 REM, REM का मतलब होता है जो हमारे ब्राउजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो उसे फॉलो करता है। और वहीं पे क्लास फुट अनऑर्डर, यानी कि क्लास फुट के अंदर जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, यानी कि ये वाला क्लास फुट और उसके अंदर जो ये अनऑर्डर लिस्ट है इस पे प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो, ये वाली डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट एंड स्पेस बिटवीन। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से वर्क हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई, और यहाँ पे मैं इसमें ये भी डाल देता हूँ क्या कहते हैं स्पेस बिटवीन, सही काम कर रहा है। हाँ, और जो यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन है उसे कॉलम भी रख देता हूँ ताकि बाद में जब रिस्पॉन्सिवनेस में आए तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। आप देख सकते हो ये प्रॉपर तरीके से वर्क अभी भी कर रहे हैं, कुछ इतनी दिक्कत की बात नहीं हुई। हाँ, हो गई हल्की सी हो गई, इसे हटाना पड़ेगा लग रहा है अभी यहाँ पे फ्लैक्स रैप। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, ये यू ये है हमारा आइकन्स वाला, मैंने इसमें गलती से उसमें दे दिया था, आप देख सकते हो। और जैसे इसे नीचे लाऊंगा ये हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और उसके बाद जैसे ही मैं जाता हूँ यहाँ पर क्लास फुटर के अंदर जो स्पैन है, यानी कि क्लास फुटर कहाँ गया, क्लास फुटर इसके अंदर जो स्पैन है यानी बिजनेस, उस पर पिंक कलर आ जाए। उसके लिए फिर उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हमारे एल आई है उस पर लिस्ट स्टाइल नन, और उसके बाद मार्जिन पैगिंग दी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लास फुट अनऑर्डर एल आई, यानी इसके अंदर जितने भी एल आई हैं उनकी लिस्ट स्टाइल नन मैंने ऑलरेडी लिख दी, तो मैं इसे हटा देता हूँ, इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बाई डिफॉल्ट मैंने पहले से क्लासेस बना दी हैं। इस तरीके से बनाया था वहाँ पे, तो हमने सी एस एस वी एस एस जान लिया था कि हमने कैसे कैसे प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट की थी। तो मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले एक कंटेनर जो है ना मैंने उसको लिया यानी स्लाइडर को लिया, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट वाले बटन को और राइट वाले बटन को उठाया, ठीक है, और बोला कि लेफ्ट आइकन यानी कि जो हमारा कहाँ गया, जो जिसे मैंने आई डी लिखी हुई ना लेफ्ट आइकन यानी लेफ्ट वाले साइड पर और राइट वाले साइड को दोनों को उठाया, और बोला कि जब मैं लेफ्ट वाले पे क्लिक करूँ लेफ्ट डॉट ऑन क्लिक करूँ तो यहाँ पे फंक्शन रन हो।
और जो स्लाइडर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म हो जाए कितना 30%, यहाँ से ट्रांसलेट एक्स यानी एक्स एक्सिस में ही खाली वो मूव हो। उसी तरीके से मैंने राइट क्लिक राइट आइकन यानी जब मैं राइट क्लिक करूँ तो वहाँ पे ये फंक्शन रन हो और स्लाइडर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म हो जाए ट्रांसलेट एक्स यानी कि माइनस में पहले आगे जाए फिर पीछे। आपने ग्राफ देखा होगा यानी कि इसमें हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जो रह रही है वह है मैप, हम लाइव लोकेशन कैसे शेयर कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है और मैं यहाँ पे जैसे ही गूगल मैप सर्च करता हूँ आपको मैं दिखाता हूँ इसका। जैसे ही क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे उसके बाद मैंने डाल दी जैसे कि दिल्ली, जैसे दिल्ली लिखा और सर्च किया तो उसके बाद आपको यहाँ पे ना एक देखना यहाँ पे शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ना एम्बेड मैप पे आना है और उसके बाद ना यहाँ से देख लो कॉपी एचटीएमएल लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसे कॉपी करना है और जस्ट यहाँ पे आके इसे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो हाइट जो विड्थ है उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो पूरा कवर कर सकूँ। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो सी एस की जो लेंथी वीडियोस होती है ना, मैंने उनकी जो सभी वीडियोस को सी एस एस ऑल वीडियोस इन शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आप इजी से सभी जो सी एस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आसानी से सीख सकते हो। धन्यवाद।